हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रवि शास्त्री कॉमर्स नॉलेज चैनल बन सके आपका एक बार फिर से चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस की है बीस लाख करोड़ की स्कीम डिफरेंट सेक्टर्स के लिए और इकोनॉमिक सेक्टर के लिए इंडिया की तो उसके बारे में आज बात करेंगे जो निर्मला सीतारमन जी ने अभी अभी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया एम एस एम ई के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं उन्हें बहुत रिलीफ दिया गया है एम एस एम ई की डेफिनेशन में चेंज किया गया है पर्टिकुलर रिलीफ उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम होने वाले अकाउंट फाइनेंस की उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा क्योंकि इसमें तीन चार नए पॉइंट्स आए हैं काफ़ी निकल करके इसके अलावा दोस्तों जो भी है अपने जनरल नॉलेज वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से तो दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों क्या हुआ है कि देख सकते हैं आप जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाया हुआ है आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को तो आप देख सकते हैं जो हमारा यूट्यूब से एनालिटिकल डाटा है उसके हिसाब से देख सकते हैं जो हमारे व्यूवर्स है उसमें एट्टी फाइव पॉइंट थ्री परसेंट व्यूवर्स ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं सिर्फ वीडियो देखते हैं सिर्फ फोटी पॉइंट सेवन परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वो वीडियो देखते हैं लेकिन दोस्तों में समझ में नहीं आता आप लोग ऐसा क्यों करते हैं एट्टी फाइव पॉइंट थ्री परसेंट काफ़ी बड़ा नंबर होता है उतने लोगों ने चैनल वीडियो तो देखते हैं वो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता है आपके लिए चैनल बनाया है आपके बेनिफिट के लिए दोस्तों इसमें आपको डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है अकाउंट्स फाइनेंस की उसके बारे में जानकारी मिलती है इसके अलावा जो भी सी ए सी एम ए वगैरह की अपडेट आती है सब आपको यहाँ पे बताया जाता है लेकिन उसके बावजूद आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं ऐसे डाटा देख के थोड़ा दुख होता है दोस्तों तो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो तो आइए दोस्तों जान लेते हैं एमएसएमई को गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया है उसके अंतर्गत क्या यहाँ पर बेनिफिट्स दिए हैं क्या अमेंडमेंट उसमें मेजर हुई है इसके बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों गवर्नमेंट ने जो अभी अभी ये एम के लिए अनाउंसमेंट किए हैं ये बहुत सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जितनी भी कंपनियाँ होगी उनके सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा सबको ये बेनिफिट दिया जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने तीन लाख करोड़ का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है जिसमें कोलेट्रल फ्री सिक्योरिटी रूप में लोन दिया जाएगा एमएसएमई को मतलब तीन लाख का उन्होंने पर तीन लाख करोड़ का उन्होंने पर बजट दिया है जिसमें इनको अगर ये बैंक से लोन लेने जाते हैं तो इनको कोई भी पर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी इनको यहाँ पर लोन बैंक की तरफ से ग्रांट किया जाएगा और इसके बारे में गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्कीम आप इकतीस अक्टूबर दो तक अवेल कर सकते हैं और गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इससे पैंतालीस लाख जो यूनिट्स हैं स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं मैन्यूफैक्चरिंग और की उसको बेनिफिट होने वाला है इसके अलावा और कुछ कंसेशन जो मिलते हैं एम को वो देख लेते हैं तो एम में जो कंपनी आती है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंतर्गत तो उनको कंसेशन रेट दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का जो नॉर्मल बिजनेस यूनिट होती है उससे कम उनको बिजली की दरें लगाई जाएंगी जो अभी वहाँ पर टैरिफ रेट होता है इसके अलावा एम अगर ओवरड्राफ्ट बैंक से लेती है मतलब लोन लेती हैं तो उस पर वन परसेंट तक का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में कंसेशन दिया जाएगा और ओवरड्राफ्ट लोन पर इसके अलावा दोस्तों इनका कहना है कि अगर आप पेटेंट्स और ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पर आपको फिफ्टी परसेंट तक का कंसेशन दिया जाता है हालांकि ये जो है इंटरेस्ट रेट वाली बात और डिस्काउंट वाली बात पेटेंट और ट्रेडमार्क पे पहले से ही थी ये अमेंडमेंट में नहीं आई है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ऐसा नॉलेज आप देख सकते हैं क्योंकि इस पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अलावा जो इम्पोटेंट यहाँ पर मेजर अपडेट निकल कर आई है वो यही है कि गवर्नमेंट का कहना है कि अब 200 करोड़ तक के जितने भी टेंडर यहाँ पर निकलेंगे इंडिया में उनमें सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी ही बिड लगा सकेगी मतलब एम की जो छोटी कंपनियाँ हैं वही इसमें बिड लगाएगी कोई भी इसमें फॉरेन कंपनी या विदेशी कंपनियाँ बिड नहीं कर सकती है दो सौ करोड़ रुपए तक के टेंडर में तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दो सौ करोड़ के टेंडर वाली बात और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तीन लाख करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री सिक्योरिटी वाला लोन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इसके अलावा दोस्तों देख लेते हैं ये जो एम की डेफिनेशन है उसमें एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई है मेजर अमेंडमेंट की गई है उसकी डेफिनेशन में इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में आगे और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या यहाँ पर अमेंडमेंट डेफिनेशन में की गई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन तरीके से एंटरप्राइज को क्लासिफाई किया गया है माइक्रो स्मॉल और मीडियम और इसका जो क्राइटेरिया रहने वाला है लिमिट निकालने का वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पर रहने वाला है तो आइए अब देख लेते हैं एक बार अगर कोई भी एंटरप्राइज है उसको माइक्रो में क्लासीफाई करना है तो उसमें बताया गया है कि आपका इन्वेस्टमेंट अप टू वन करोड़ है प्लस ये प्लस में चलेंगी दोनों चीज़ें और आपका टर्नओवर अप टू फाइव करोड़ रुपीज़ है तो आप माइक्रो में क्लासीफाई किए जाएंगे इस मॉल की बात करें तो इस मॉल में यहाँ पर क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट अगर दस करोड़ तक का है और टर्न ओवर करोड़ तक का है तो वो इस्मॉल में क्लासीफाई की जाएंगी ऐसे ही मीडियम के बारे में बताया गया है कि मीडियम अगर 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है प्लस 100 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तो आप इस मीडियम एंटरप्राइज में क्लासिफाई की जाएगी अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट याद रखने का लिमिट्स बता देता हूं क्योंकि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कुछ दिन के बाद इसको तो आपको सबसे सब पहले क्या करना है आपको ये माइक्रो की जो इन्वेस्टमेंट वाली लिमिट है ये याद कर लेनी है क्योंकि बहुत ही आसान है अप टू वन करोड़ तक की है और उसके बाद आपको क्या करना है ये याद रखना है कि माइक्रो की जो लिमिट है वो वन करोड़ है लेकिन जो स्मॉल और मीडियम की है वो कैसे है स्मॉल की है वो इसके टेन टाइम्स है और जो मीडियम की लिमिट है वो इसके ट्वेंटी टाइम्स है यानी कि एक करोड़ का टेन टाइम्स दस करोड़ और एक करोड़ का ट्वेंटी टाइम्स बीस करोड़ तो ये या आपको याद रखना है कि ये ट्वें टेन टाइम्स है ये ट्वेंटी टाइम्स है ऐसे ही जब ये आप लिमिट निकाल लेंगे ऐसे याद करके तो उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको देखना है टर्नओवर जो है वो सब में फाइव टाइम्स दिया गया है जी हाँ दोस्तों फाइव टाइम्स आपको इसे सिंपली फाइव से मल्टीप्लाई कर देना है तो अगर आप इसे फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वन करोड़ को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव करोड़ हो जाएगा टेन करोड़ को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टी करोड़ हो जाएगा और ट्वेंटी को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हंड्रेड करोड़ हो जाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लिमिट्स आप याद रख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है और ऊपर से जो अपना इकोनॉमिक और अकाउंट्स है उसमें भी एक मेजर रोल प्ले करता है तो दोस्तों ये कुछ अमेंडमेंट थी एम एस की जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ ऐसे बने रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो